आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवाइटल एच कैप्सूल्स की, जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। रिवाइटल जो कि दरअसल मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल प्रोडक्ट हैं, बहुत ही फेमस हैं और हाई लेवल पर इसका टीवी एडवर्टाइजमेंट भी किया जाता है। रिवाइटल एच का रिव्यू जो कि नॉर्मली आते हैं हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसको दर्शकों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया और इसी कारण रिवाइटल एच फॉर वुमेन की डिमांड भी उसी वीडियो के कमेंट्स में देखने को मिली। तो आपकी डिमांड पर हाजिर है हमारी आज की वीडियो। आप सब जानते ही हैं कि हमारे शरीर को खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। अगर कुछ विटामिन और मिनरल की कमी हो जाए तो शरीर तुरंत रिएक्शन दिखाता है और कुछ न कुछ इश्यूज है वो फेस करने को मिलते हैं। कमजोरी, वीक बोन्स, आलस के साथ में सैकड़ों ऐसी प्रॉब्लम है जो कि लोगों को फेस करने को मिलती है अगर उनको डाइट में पर्याप्त विटामिन और मिनरल हेवन नहीं मिल पाते हैं। नॉर्मली खाने से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तब जरूरत पड़ती है रिवाइटल कैप्सूल जैसे सप्लीमेंट की, जो कि वे सब चीजें शरीर को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब ये कितने सेफ है और कितना रिजल्ट दिखाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात प्राइस और पैकिंग की करते हैं। आप वीडियो में देख पा रहे हैं रिवाइटल एच कैप्सूल्स फॉर वुमेन, जो कि 10 कैप्सूल की पैकिंग के साथ में आते हैं। इसके साथ में अगर आप खरीदना चाहे तो 30 कैप्सूल या फिर 60 कैप्सूल की पैकिंग है वो भी खरीद सकते हैं। वीडियो में जो बताई गई पैकिंग है वो 10 कैप्सूल्स की है। इसकी प्राइस अगर देखें तो 10 कैप्सूल्स की 120 रुपए देखने को मिलती है, जो कि 30 की 345 और 60 कैप्सूल की 690 रुपए देखने को मिलती है। पिंक कलर लिए हुए इसकी पैकिंग है और कैप्सूल्स के ऊपर भी कवर पिंक कलर का लगाया गया है, ताकि इसमें जो पूरी वुमेन वाली फीलिंग है वो आए। वैसे ये कैप्सूल है वो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की लिंक है वो अवेलेबल है, जहां पर जाकर आप डिस्काउंट के साथ में इसको खरीद सकते हैं। अब बात आती है इंग्रेडिएंट की, तो पहली बात कि ये वेज कैप्सूल है, जो कि नॉर्मल रिवाइटल एच कैप्सूल आते हैं वो वेज नहीं होते हैं और इसी कारण बहुत सारे लोग है वो उनको कम्फर्टेबली यूज नहीं कर पाते। रिवाइटल एच कैप्सूल फॉर वुमेन है वो वेज कैप्सूल है, ये इसकी अच्छी बात है। इसके साथ ही विटामिन्स को चेक करें तो इसके अंदर विटामिन ए, B1, B2, B3, B6, B9, B12, सी, D2, ई, K1, बायोटिन, ये सब पर्याप्त मात्रा में विटामिन है वो देखने को मिलते हैं। मिनरल्स की बात करें तो जिंक, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, फास्फोरस, क्रोमियम, सेलेनियम और जिनसंग एस्टेड, ये सब चीजें है वो इसके अंदर देखने को मिलती है। इसमें मिलाई गई चीजों को देखें तो विटामिन और मिनरल है वो इसके ऊपर सोर्स है वो इसका नहीं लिखा हुआ है कि कहां से ये विटामिन और मिनरल है वो डिराइव्ड है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बाकी कुछ केमिकल कंपाउंड भी हैं जो कि हालांकि हार्मफुल नहीं है लेकिन एडेड है। सिंथेटिक के साथ में नेचुरल दो टाइप के कलर भी इसमें एडेड है। इंग्रेडिएंट वाइज मैं इसको 5 में से 4 पॉइंट है वो दूंगा। डोज की बात करें यानी कि हाउ टू यूज की बात करें तो रोजाना एक कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। एक कैप्सूल खाने के एक घंटे बाद लेने के बाद में एक गिलास आपको पानी, दूध या फिर जूस है वो पीने की सलाह दी जाती है। अगर रोजाना ले रहे हैं तो आपको मैं 2 महीने लगातार इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा, इससे ज्यादा मैं आपको इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दूंगा। 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद में 1 महीना आपको उनको छोड़ देना है, वापस आप 1 महीना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर 3 महीना इस्तेमाल करने की बात लिखी हुई है कि 3 महीना इस्तेमाल करने के बाद में 15 दिन का गैप दे और बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली लंबे टाइम तक मैं आपको यूज करने की सलाह नहीं दूंगा, यानी कि महीनों भर तक इसको लेने की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज ये लीवर और किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने शरीर की विटामिन और मिनरल की पूर्ति करना चाहते हैं तो ये सप्लीमेंट है वो काम कर सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम के लिए इनको लेना है वो अच्छा नहीं रहता। इसकी बजाय आप फ्रूट्स या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स के सहारे, नेचुरल सोर्सेज के सहारे अपने शरीर को विटामिन और मिनरल है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कभी भी आपको एक कैप्सूल से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि एक कैप्सूल से ज्यादा ओवरडोज करना है वो इसके ऊपर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि शरीर के लिए अच्छा नहीं रहता। अब हम बात करते हैं फायदों की, यानी कि रिवाइटल एच कैप्सूल को लेने के बाद में क्या क्या फायदे है वो हो सकते हैं। पहला और इम्पोर्टेंट फायदा है वो पोषण का है। जो भी पोषक तत्व आपके शरीर को नहीं मिल पा रहे हैं डाइट में, वे सब पोषक तत्व ये कैप्सूल है वो प्रोवाइड करने का काम करेंगे, जिससे कि उन पोषक तत्वों के कारण जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो तुरंत सॉल्व हो जाएंगे और उनका जो इलाज है वो होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आयरन की कमी के कारण बहुत सारे इश्यूज आते हैं, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां है वो वीक हो जाती हैं, कई विटामिन्स की कमी के कारण आंखों के ऊपर, बालों के ऊपर कई सारे इफेक्ट है वो होते रहते हैं। तो उन विटामिन्स की कमी के कारण जो भी चीजें आपके शरीर में हो रही हैं, उन सबको कम करने का यानी कि उन सबको दूर करने का काम है वो ये कैप्सूल करेंगे। नॉर्मली अगर हम देखें तो शरीर को पर्याप्त रूप से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम ये करते हैं। दूसरा फायदा है आलस, सुस्ती, कमजोरी या फिर थकान अगर आपको महसूस होती है। बहुत सारी महिलाओं को जो कि
घर का काम करती हैं या फिर प्रोफेशनल है नौकरी करती हैं, उनको आलस सुस्ती और कमजोरी की समस्या है वो नॉर्मली आती रहती है बिकॉज डाइट से उनको पर्याप्त पोषक तत्व है वो नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरह की समस्या है तो भी आप रिवाइटल एच कैप्सूल ले सकती हैं, आपको फायदा है वो देखने को मिलेगा। तीसरा फायदा है वो बोन्स के रिलेटेड है, अगर आपके जॉइंट पेन की शिकायत है, पैरों में दर्द की शिकायत है, पैरों में झंझनाहट है, तो ये सब दिखाता है कि आपके शरीर में कोई न कोई विटामिन की कमी है, तो उन सब के लिए भी रिवाइटल एच है वो कारगर है वो हो सकते हैं। वेट गेन में हेल्प करते हैं, वजन मेंटेन करने में ये कैप्सूल हेल्प करेंगे, साथ ही शरीर के एनर्जी लेवल को भी अप रखने का काम पूरे दिन करते हैं। डेली आपके शरीर की ओवरऑल हेल्थ को सुधारने का काम ये कैप्सूल कर सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, आपको ओवरडोज नहीं होना है, एक कैप्सूल ही इस्तेमाल करना है और लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं करना है तो कोई भी साइड इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलता। एज की बात करें तो 18 या फिर 18 से ऊपर अगर आपकी एज है तो ही आपको इस्तेमाल करना है। प्रिकॉशंस की बात करें तो अगर आपके कोई मेडिकल वगैरह चालू है तो डॉक्टर की सलाह के बाद में इनको इस्तेमाल करें, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो उनको डॉक्टर की सलाह के बाद में ही रूटीन में रिवाइटल एच कैप्सूल को शामिल है वो करना है। तो यह था रिवाइटल एच कैप्सूल्स फॉर वुमेन का रिव्यू मेरे को।